हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो अभी मुझे कॉल बुक मिला कि 14-22 मतलब दोस्त 2:30 बजे जाना है ड्यूटी, परवनी जाना है। परवनी यहाँ पे एक स्टेशन है, वहाँ वहाँ से आगे गाड़ी लेकर निजामाबाद जाना है। अभी यहाँ से लाइट इंजन लेके जाना है। तो अभी नहा लिए हैं, खाना बना के रेडी हो गया है, बस पैकिंग करना है, उसके बाद ड्यूटी जाना है। तो अभी बस रेडी होना है, रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म पहन के मैं रेडी हो चुका हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के बैग में क्या क्या रहता है। मतलब नॉर्मल सभी लोगों के बैग में यही रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको बैग में क्या क्या रहता है मेरे। यूनिफॉर्म पहन के हो चुके हैं रेडी। ये है मेरा ड्यूटी बैग, ये तो हो गया हमारा लंच बॉक्स, और ये हो गया रनिंग रूम में पहनने के लिए कपड़ा, ये मेरा वॉलेट, थोड़ा सा चिल्लर, 3 वाटर बॉटल, और ये हमारा नाइट ड्यूटी के लिए टॉर्च। तो हमारे बैग में रहता है इतना सब। तो आइए कर लेते हैं बैग को पैक। हो गया हमारा बैग रेडी, इसमें डाल लिया फोन का चार्जर। अभी मैं रेडी हो गया था, लेकिन अपने बैग में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डालना भूल गया था, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्लैग रेड और ग्रीन, और ड्यूटी वाला टॉर्च होता है, इसको डालना हम भूल गए थे। तो अभी इसको भी डालेंगे बैग में, फिर निकलेंगे रूम से। तो मैं बैग वैग पैक करके रेडी हो गया हूँ। हो गया है जाने का टाइम, तो रूम पे मेरा रूममेट तो है नहीं, तो इसको रूम को करेंगे लॉक। लॉक करने से पहले स्विच बंद करना है, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए। और रूम को भी लॉक करना पड़ता है, 3 गेट है रूम में। तो दूसरे वाले गेट को भी लॉक कर देंगे, चलो चोर वोर घुस गया तो वैसे तो रूम में कुछ मिलेगा। चाबी रखते हैं इसको सीक्रेट जगह, क्योंकि मेरा रूममेट आएगा तो उसको खोलना होगा रूम, तो इसको सीक्रेट जगह पर रखते हैं। चाबी छुपाने के बाद मैं रेडी हो गया हूँ, रूम से निकलते हैं, उसके बाद जाएंगे और साइन ऑन करेंगे। साइन ऑन करने के बाद परभनी जाना है, परभनी से फिर एक BCN है, उसमें सीमेंट वगैरह लोड होगा, MT है उसमें, उसको लेके अब निजामाबाद जाना है। अभी गिरते गिरते बच्चे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अब जा रहा हूँ मैं, मिलते हैं साइन करते टाइम। आ गया हूँ मैं स्टेशन पे, जाएंगे साइन ऑन करने, देखते हैं साइन ऑन का प्रोसेस अगर रिकॉर्ड हो पाता है तो दिखाएंगे कैसे साइन ऑन रिकॉर्ड साइन ऑन होता है, क्या क्या सामान वहाँ पे लेना पड़ता है। चढ़ते चढ़ते थक गए, ये मेरा रूममेट लेके आ रहा है, ट्रेन हॉर्न बजा रहा है मुझे देख के, ये मेरा रूममेट है।
अभी जा रहे हैं, साइन ऑन का प्रोसेस देखते हैं, अगर रिकॉर्ड हो पाता है तो कोशिश करेंगे। चलिए साइन ऑन करने के बाद मिलते हैं। ये हमारा लॉबी, साइन ऑन करने का मशीन। साइन ऑन करने के बाद सब लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने गाड़ी का, जिसका जिसका गाड़ी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सब लोग जाएंगे। शायद ये वाला लोग को लेकर हम लोगों को जाना है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, जाने के बाद पता चलेगा कि कौन सा लेकर जाना है। जहाँ तक चांस है कि ये वाला लेके जाना है। अच्छा, हो चुका है हमारा साइन ऑन। यहाँ से लाइट इंजन का चार्ज लेंगे, उसके बाद लेके जाना है। साइन ऑन करने के बाद चार्ज लेने से पहले फ़ोन ऑफ करना होता है। तो यहाँ से पूरा है हमारा ड्यूटी स्टार्ट। देखते हैं ड्यूटी कब ख़त्म होता है। 2:30 बजे से ड्यूटी स्टार्ट था, मिलते हैं ड्यूटी ख़त्म करने के बाद। तब तक के लिए रनिंग रूम तो पहुंच गए हैं ड्यूटी ख़त्म करने के बाद। अभी जस्ट खाना खाया। यहाँ पे एक आंटी रहती हैं, मतलब बहुत लोग रहते हैं स्टाफ, क्योंकि हम लोग को खाना वाना बनाने के लिए रहता है। तो खाना बनवाया मैंने, आके खाया, 12 बज गया। तो आज ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा हो गया, 9 घंटे का ड्यूटी हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया, एनर्जी तो बिल्कुल नहीं बचा है। सोचा कि ये वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो 5 घंटे का संटिंग, निज़ामाबाद जाने का प्लानिंग था, लेकिन निज़ामाबाद का प्लानिंग कैंसिल हो गया। अब आ गए हम लोग पर्ली, पर्ली बैजनाथ। पर्ली बैजनाथ तो फेमस जगह है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो चेहरे पे थकान साफ साफ दिख रहा है, बॉडी तो रिस्क खोज रहा है। ग्लूको पायलट की ड्यूटी में टाइमिंग नहीं होता है, टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता है। उधर से 2 बजे चले थे, यहाँ पे अभी तक 12 बजे तक आराम मिला, मतलब फिर भी ड्यूटी हो गया 10 घंटे का, 9 घंटे का। ठीक है, ऐसे ही टाइप चलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसा ब्लॉग देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। सुबह दिखाते हैं रनिंग रूम कैसा होता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ का रनिंग रूम बेटर है और निज़ामाबाद का भी बहुत अच्छा है। तो कभी निज़ामाबाद जाएंगे तो निज़ामाबाद का दिखा देंगे, कल रनिंग रूम का टूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।